Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut ke Jakir Colony निवासी धागा कारोबारी शादाब अंसारी ने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा कि उसके गोदाम से माल उठाने वाला ई रिक्शा चालक चकी अहमद उनके ही घर में टकैती डलवा देगा। डकैती भी इतनी प्लानिंग और सटीक तरीके से की गई कि बदमाश 50 लाख रुपए का माल ले उड़े। उसने सारी साजिश रची और छैनू गैंग के मजहर को भी अपने साथ ले लिया, जो कि जाटो गेट का रहने वाला है। बीती रात जब पुलिस मजहर को लेकर बजौट पुलिया के निकट छिपाया गया माल बरामदगी के लिए ले जाई जा रही थी, तो पहले से ही छिपा कर रखे गए तमंचे से मजहर ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में मजहर के पैर में एक गोली जा लगी। पुलिस के मुताबिक डकैती की इस घटना को 7 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। पुलिस मजहर के अलावा मास्टरमाइंड मोहम्मद जैकी और सरफराज को भी गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों ही तोपचीवाड़ा के रहने वाले हैं। बनीसराय निवासी असलम और अहमद थाना लोहिया नगर निवासी इमरान की तलाश जारी है। पुलिस ने इस घटना में करीब 14 लाख रुपए का माल और 90,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। पहले देखिए मुठभेड़ के बाद मजहर को। इस बारे में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने यह जानकारी दी। सर, एक कारोबारी के घर में डकैती की वारदात हुई थी, कितने बदमाश अरेस्ट हुए हैं और कितनों के जो है मुठभेड़ में गोली लगी है? देखिए, 21 तारीख को थाना लोहिया नगर क्षेत्र में एक शादाब अंसारी नाम के व्यापारी थे, उनके घर में कुछ बदमाशों द्वारा बंधक बनाकर लूट की घटना कारित की गई थी। इस घटना के संबंध में थाना लोहिया नगर पुलिस SOG टीम और सर्विलांस की टीम लगाई गई थी। आज मुठभेड़ खास की सूचना मिली कि 3 बदमाश, उसमें से ये लोहिया नगर का डंपयार्ड है, उसके पास ये घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम मोहम्मद जकी, सरफराज और मजहर है। मजहर को ये जो इन्होंने तमंचा यूज़ किया था घटना में, उसकी रिकवरी के लिए इसको बजोट पुलिया के पास लेके जाया जा रहा था। वहाँ पर इसने पुलिस पर फायरिंग करके भागने का प्रयास किया था, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी है तथा इसे अस्पताल में उपचार हेतु एडमिट कराया गया है। शुरुआती पूछताछ में जो मोहम्मद जकी है वो इनका मेन साजिश करता है, उसके द्वारा बताया गया कि वह एक ई रिक्शा चलाता है तथा शादाब अंसारी के यहाँ 5-6 बार ये माल ढो चुका है। घटना के 6 दिन पहले इसने यहाँ पे रेकी की थी और घटना वाले दिन ये लोग 2 बाइक एवं एक जो ई बाइक होती है इलेक्ट्रिक बाइक, उससे ये लोग आए थे। इनके घर से कुछ दूर पहले इन्होंने बाइक खड़ा की और वेट एंड वॉच किया कि जैसे ही इनको मौका लगा ये लोग घर में घुसे, बंधक बनाकर इन्होंने लूट किए। और आज ये लोग डंपयार्ड के पास अपना जो माल इन्होंने लूटा था वो इसको मतलब ये बेचने के लिए आए थे। सर, क्या क्या रिकवर हुआ है इन तीनों से? इनके पास से अभी हमें 1 बाइक, 3 तमंचे और 90,000 रुपये के और प्लस कुछ आभूषण इनसे बरामद हुए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फास्ट बाइट TV। नमस्कार।